हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको EDS 6 के अंदर ये बताऊंगा कैसे हम वीडियो फुटेज कैसे इंपोर्ट करके कैसे लाते हैं एडिटिंग और मिक्सिंग के लिए। दो तरीके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले फाइल में जाएं, उसके बाद जाने के बाद नीचे आएं, नीचे आएंगे तो ऐड क्लिप पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ऐड क्लिप का डायलॉग बॉक्स देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये ऐड क्लिप का डायलॉग बॉक्स है। यहाँ पे देखें लुक इन, जिस ड्राइव में आपने अपना फुटेज रखा हुआ है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट यहाँ पे ड्राइव्स हैं, जैसे जनरली मैंने डेस्कटॉप पे अपना फुटेज रखा है एडिटिंग और मिक्सिंग के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं एक फुटेज है फाइनल नाम से, जिस पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद ओपन पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही ओपन पे क्लिक करूँगा ये आप देख सकते हैं मेरा फुटेज, वीडियो फुटेज आ गया। अब इससे सिंपल है, आप इसे क्लिक करके ड्रैग करते हुए टाइम लाइन पर ला के रख सकते हैं, उसके बाद आप इसे एडिटिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। दूसरा तरीका क्या है, आपको बिन के माध्यम से आप किसी भी वीडियो फुटेज को इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा बिन का विंडो है, ये वाला। यहाँ पे देखें, यहाँ पे टूल बार से अलग अलग, यहाँ पे देखें ऐड क्लिप या शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ओ करके भी ला सकते हैं आप। इस पर क्लिक करें, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे अब वो सेम ये ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद जिस ड्राइव में आपने रखा है, मैंने डेस्कटॉप पे रखा है फुटेज, ये देखिए फाइनल है, फाइनल नाम से फुटेज है, मैंने इस पर क्लिक किया, उसके बाद ओपन पे क्लिक किया, ये देख सकते हैं मेरा ये फुटेज यहाँ पे आ गया। उसके बाद अभी से क्लिक करते हुए ड्रैग करते हुए अपने टाइमलाइन पे ला के रख सकते हैं और एडिटिंग कर सकते हैं। सपोज ये आपका ये विंडो बिन का विंडो अगर नहीं होता है, नहीं यहाँ पे रहता है, तो कैसे लाएंगे ये भी देख लें आप। उसको लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखें एडिट, एडिट में क्लिक करेंगे, सॉरी बिन में क्लिक करेंगे, बिन यहाँ पे देखिए व्यू के अंदर बिन है, बिन ऑप्शन है, बी प्रेस करेंगे शॉर्टकट तो भी आप ला सकते हैं। बिन में क्लिक करें, बिन का यहाँ पे विंडो आप यहाँ पे आ गया। आप फिर से देखें क्या करना होगा, सिंपल है, इस पर क्लिक करें ऐड क्लिप, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये ओपन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। फिर से यहाँ पे क्लिक करें, अपने चूज करें ड्राइव, यहाँ से चूज करें जिस ड्राइव में आपने अपना फुटेज रखा है, यहाँ से चूज करके आप इसे ओपन कर सकते हैं, अपने यहाँ पे ला सकते हैं। ये देखिए मेरा फुटेज यहाँ पे आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम वीडियो फुटेज को कैसे इंपोर्ट करके EDS 6 के अंदर लाते हैं एडिटिंग के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।